जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने जो है क्वेश्चंस गेट 2024 का पिकअप किया हुआ है। बड़ा मार्वलस क्वेश्चन है और जो हमें याद आता है ना, ऐसा है क्वेश्चन एक बार सीएसआईआर नेट में भी फ्रेमवर्क किया गया था 16 और 17 के एग्जाम में, जो मुझे पक्का याद है कि सीएसआईआर नेट का भी ऐसा ही क्वेश्चन एक बार जो है फ्रेमवर्क किया गया था। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि लेट एच बी ए सबसेट ऑफ एस थ्री कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिग्मा बिलोंग्स एस थ्री। तो पहले थोड़ा हम एस थ्री का मेंबर बना लें। वैसे तो सबको याद रहना चाहिए कि एस थ्री के मेंबर क्या है। पहला हो गया आपकी आइडेंटिटी हो गई, फिर ट्रांसपोजिशन हो गया 1 2 1 3 2 3, उसके बाद थ्री लेंथ की साइकिल एक 1 2 3 होती है और एक हमारी 2 1 3 होती है। यस थ्री के ये जो है मेरे 6 मेंबर हैं, सबको प्राप्त है ये। दिस इज योर सिमेट्रिक ग्रुप। अब एच क्या है? एच जो है इनका कोई सबसेट, राइट? कैसा है भाई? सच दैट ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए सिग्मा वन ए सिग्मा टू ए सिग्मा थ्री। और सिग्मा कहां से मिलेगा? सिग्मा बी एनी एलिमेंट ऑफ द एस थ्री। ओके, तब कह रहा है अच्छा, फॉर ऑल ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू एम टू सी। चलिए कोई बात नहीं, जहां हमारे टू ऑर्डर का कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच। तो कह रहा है कि एच में कितने एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए देखते हैं यहां सिग्मा, सिग्मा वन का मतलब क्या है। जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें, सिग्मा आपने एक टू थ्री ले लिया, तो यहां सिग्मा वन का मतलब क्या है पहले समझिए। पता है, इस स्तर तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को पता है सिग्मा वन का मतलब है कि ये इस परमुटेशन में वन कहां मैप हो रहा है। तो यहां देखिए वन क्या, वन फिक्स्ड एलिमेंट है तो वन वन पे ही मैप हो रहा है। सिग्मा टू कहां मैप हो रहा है? टू मैपिंग टू थ्री, यानी टू का संबंध थ्री से है। तो यहां सिग्मा वन का मतलब ये है। तो चलिए अब बारी बारी थोड़ा बनाते हैं। वैसे बेटर है, बारी बारी बनाने से बेटर है हम एक रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और इस रिजल्ट पे ये क्वेश्चन बना था। बाकी ये तो भरमराने के लिए दिया गया था ना, ये बदमाशी की गई थी, और इस स्तर के कॉम्पिटिशन्स की ये खास बात है, बदमाशी तो होती ही रहती है। जैसे अगर हमें निकालना है ट्रेस ऑफ ए बी सी, तो ये कितने तरीके से इक्वल हो सकता है। देखिए ये हो गया आपका ट्रेस ऑफ ए बी सी, इधर कर दिया हमने। अब एक रिजल्ट ये भी है साथ साथ कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है। ये हमारे पास एक रिजल्ट। तो ट्रेस ऑफ ए बी सी हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ट्रेस ऑफ बी सी ए, एक बात हो गई, यानी ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी। दूसरा क्या होगा, इस ए बी सी को मैं ऐसे लिख दूं, ए बी कर दूं और ये सी, तो एसोसिएटिव ला सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो ट्रेस ऑफ ए बी सी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ सी ए बी, राइट, सी ए बी। तो क्या क्या हुआ, ट्रेस ऑफ ये ए बी सी है। तो ट्रेस ऑफ ए बी सी किसके किसके इक्वल है, क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ बी सी ए, बात हो गई, और ये ही इज इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ सी ए बी। अब ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसी पे क्वेश्चन क्रिएट है, जनरेट है, बस बाकी सब चीजें इधर उधर की गई हैं। अब जैसे हमें यहां देखना है कि इसमें से सिग्मा कौन कौन होगा जहां ट्रेस ए और ट्रेस ए इक्वल होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू थोड़ा मैं आइडेंटिटी ले लूं, और आइडेंटिटी में हर एलिमेंट अपने आप से फिक्स होता है। आइडेंटिटी ये होती है ना, पता है ना भाई कि 1 2 3 1 2 3। तो फिर ट्रेस ऑफ, देखिए ट्रेस ऑफ ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ
ए सिग्मा वन, क्या लिखेंगे ए यहां सिग्मा वन, अगर सिग्मा मैंने आइडेंटिटी ले ली है तो सिग्मा वन वन पे ही मैप होगा, सिग्मा टू ऊपर ही मैप होगा, और सिग्मा थ्री खुद ही अपने से थ्री से होगा। तो ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री निर्विवाद रूप से ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री के इक्वल होगा। तो पहला जो एच में हमारा जो एलिमेंट जाएगा वो हो जाएगी आइडेंटिटी मैपिंग। दूसरी क्या होगी, दूसरा ए होगा, देखिए उन्होंने लिखा है कि बी सी ए हो जाए, अगर हम इसको ए नाम दे दें, इसको नाम मैं बी दे दूं, इसको नाम सी दे दूं, तो दूसरा क्या आता है बी सी ए, मतलब बी सी ए, और इसके नामकरण संस्कार हो जाए वन, इसका नामकरण संस्कार हो जाए टू, और इसका नामकरण संस्कार थ्री हो जाए। तो पहला हो गया कि ट्रेस ऑफ ए बी सी और ट्रेस ऑफ बी सी ए इक्वल होगा। तो बी यहाँ बी सी ए का मतलब क्या होगा, जरा देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बी सी ए सिंबल में। तो बी यहाँ टू है और सी यहाँ थ्री है और यहाँ वन है। टू थ्री वन का मतलब परमुटेशंस में हुआ, वन रिप्लेस बाई टू, टू रिप्लेस बाई थ्री एंड थ्री रिप्लेस बाई थ्री, यानी वन टू थ्री, ये मतलब मेरा हुआ टू थ्री वन। तो अब टू थ्री वन कब आएगा ये, कि जब वन हमारा किससे मैप हो जाए, यहां देखिए ना ये सिग्मा वन है, या यहां से देख लीजिए और आसान मैं कर दे रहा हूं आपके लिए, सिग्मा इज इक्वल टू वन टू थ्री ले लीजिए आप। यहाँ सिग्मा वन क्या है, किससे मैपिंग है टू से, सिग्मा टू किससे मैपिंग है थ्री से, सिग्मा थ्री किससे मैपिंग है वन से। थोड़ा मैं पोस्टमार्टम ही कायदे से कर दू, अब आ जाइए आप। तो ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, अब देखिए यहाँ ए सिग्मा वन, अगर मैंने सिग्मा वन टू थ्री लिया है तो यहाँ सिग्मा वन मैप किस पे है टू से, तो क्या हो गया यहाँ ए टू हो गया, राइट। ए सिग्मा टू, सिग्मा टू कहाँ मैप है थ्री से, तो ये मेरा ए थ्री हो गया, और यहाँ सिग्मा थ्री किस में आ रहा है वन से आ रहा है, तो फिर ये मेरा क्या हो गया ए वन हो गया। अब ये हो गया ए टू ए थ्री ए वन, तो किस पे है ए टू, मतलब ये हो गया बी सी ए, ऐसे इक्वल है। देखिए ना ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए, मतलब ये इसके इक्वल होगा। अगर सिग्मा इज इक्वल टू मैं वन टू थ्री ले लूं तो एच में आपका वन टू थ्री आएगा। इसी तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर मैं सिग्मा इज इक्वल टू टू वन थ्री ले लूं तो देख लीजिए ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री क्या आएगा, वाट ट्रेस ऑफ ए वन मतलब ए सिग्मा वन, सॉरी ए सिग्मा वन ए सिग्मा टू ए सिग्मा थ्री, ए सिग्मा वन वन किससे मैप है थ्री से, तो आपका हो जाएगा ए थ्री। ए सिग्मा टू किससे मैप है वन से, तो हो गया ए वन। ए सिग्मा थ्री किससे मैप है टू से, तो हो गया ए टू। तो क्या ये कैसा हो गया, ये हो गया सी, ये है आपका ए आपका है बी, तो क्या सी ए बी भी है क्या, ऐसे इक्वल। देखिए मैंने रिजल्ट ऑलरेडी निकाला है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी ट्रेस ऑफ बी सी ए ट्रेस ऑफ सी ए बी, देखिए ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इस सिग्मा के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब टू वन थ्री के लिए भी होगा, लेकिन अब आप ये प्रूव कर सकते हैं कि बाकी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा इन सिमिलर मैनर। तो कार्डिनलिटी ऑफ एच कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, वन टू थ्री, थ्री एलिमेंट्स होंगे, ये इसका आंसर होगा। ओके, बात बिल्कुल क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो यहाँ ए सिग्मा वन ए सिग्मा टू, ये सिर्फ भरमराने के लिए क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया था, और इस स्तरीय कंपटीशन में यहाँ ऐसी डिजाइनिंग होती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस चीजें थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए उसका कहने का मतलब क्या है। और ये रिजल्ट भी आप याद रखिए, इसका बड़ा यूज होता है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन अच्छा बनता है, जैसे एसआई नेट में 2016-17 में क्वेश्चन बना था, देखिए गेट में भी बना दिया गया। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।